हाय फ्रेंड्स, आपण माने केमती अछंती? मु भलो अछि। आज आमे ओटे नुवा रेसिपी आरंभ करबा, सेटा होचे सरु चकुली। आ ता पई मु इथि नै जाईती 500 चावल। आ इटा होचे गोटे नडिया को कोरी के रखि देईती। याको आमे आगे ग्राइंडिंग करनबा। ग्राइंडिंग कर सला पोरे आमे पिठा तयारी करबा। आम ए ग्राइंडर में भरी नबा। चावल नहीं है, नड़िया नहीं जावा। देखे पारे फ्रेंड्स मैंने चाउल नड़िया नहीं आधे किसी पा नहीं जावे आधे भी किसी पा नहीं जावा। देखि पारे ए पा दे सारी आम आपको ए ग्राइंडिंग कर ना। देखिपे मुझे आण को बाटी नहीं आपण बाहर खूब बेसरे 15-20 मिनट भितर रखिए, अधिक समय रखिए कहीं ना आंबिला हो कि खटा हो जापे। तो से लगे आपण आपको फ्रिज्रे रखने फ्रिज्रे रखिकी 3-5 दिन जाके आप आराम से पिठा करपर। बाहर रखिले यहाँ नष्ट हो फ्रिज्रे ही रखिए। आ जो नड़िया चावल थिला ताको भी मु ग्राइंडिंग कर नौने देखिपे मुझे बाटी नहीं आम फ्रिज्रे रखि नबा। अल्प किसी काढ़ीदेवी एवं पिठा को नियोजे आल्प किसी रखने फ्रिज्रे आपन मन रखिथे जब फ्रिज्रे फायर करेंगे से लुण पकई गोले पिठा करेंगे। आगुरी लुण पक रखे कहीं बेटरटा पूरा आंबिला हो खाई हेनी टोटाली। तो से लगे लुण कदा भी पकईक रखे जिते बड़े पिठा बनइबे से ही लुण पक आम कि पिठ काढ़ी नवा। टेस्ट अनुसार लुण पक लुण पकई गोड़े ने देखिए बैटरटा आम टे मोटा देखा आम एधे किसी पा नहीं जावा आधे किसी पा दे अल्प पा दे कि आम देखा आम बैटरटे के दरकार। हाँ बैटरटा भी ठीक है आम ए पिठा बनवा कि तेल अल्प तेल दरकार आधे बेस तेल दरकार नहीं किसी पा नहीं जावा। देखिपे मुझे कम तेल नहीं अधिक पा नहीं एपरी तुली जदि आपण घरे थी आपण यूज करेंगे ना आमर जो बैगणर डेम्फ हो कि कदमी जो डेम्फ थाए ताधरे भी तावारे तेल घसी पारे। चलो आम ए पिठा बनवा गैस बसई ना टेस्ट
ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି।